हे गाइस, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं इंग्लिश मेकर सेल्फ हियरिंग। गाइस, आप में से बहुत ढेर सारे लोगों ने अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन किया होगा प्रोजेक्ट, मीन्स आप सबने कॉलेज में प्रोजेक्ट किया होगा, वही प्रोजेक्ट आप यहां पर मेंशन कर रहे होंगे। और कई लोगों ने क्या, अभी कई लोग जो कॉलेज में, वो बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट किसी से बनवा ले रहे हैं, कुछ 10-15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये पे करके, और उसके बाद उसको मेंशन कर दे रहे हैं। अब वो प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे बनने वाला है कोई आइडिया नहीं है। उस प्रोजेक्ट को बना के आप, बनवा के मतलब पैसे दे के आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हो, इसका आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आज के वीडियो में इसको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या प्रोजेक्ट हमें अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करना चाहिए, जिससे कि जॉब मिलने में हेल्प हो, जिससे कि जिस जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपको समझ पाए कि हाँ यार, ये बंदा जो है, ये अगर कॉलेज में फोकस था, मतलब अगर काम करने भी आएगा तो बहुत ही फोकस होकर करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हो, समझते हैं कि भाई किस तरह के प्रोजेक्ट मेंशन नहीं करना चाहिए और किस तरह के प्रोजेक्ट मेंशन करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। कहीं सबसे पहले तो ये चीज बताऊंगा, जो ये काम कर रहे हो, मुझे डेली बेसिस पे लड़के मैसेज करते हैं, सर कि आप अपनी फीस ले लो, मुझे एक प्रोजेक्ट करके दे दो, 30-25 पेज का स्लाइड्स बना के दे दो, और उसके बाद इतना इतना जो भी आपका अमाउंट हो ले लो। पहली बात तो ये कि आप सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को मैं मना कर देता हूँ, अगर वो मुझे थोड़ा सा भी समझ जाए कि ये जस्ट पैसे का शो ऑफ है, तो मैं तो सीधे मना कर देता हूँ। और नहीं मना किया तो मैं जानबूझ के इतना ज़्यादा पैसा ले लूँगा कि फिर वो दे नहीं पाएंगे, फिर उनकी सही हो जाती है कि हाँ यार, ये गड़बड़ है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्लीज किसी से खरीद के मत करो। अगर आप कॉलेज में हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि फिर जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन 100% फिक्स है कि व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट इन योर कॉलेज। हर एक फ्रेशर बच्चे को, इवन 1-2 साल के एक्सपीरियंस वालों को, सबको, आपने इंटरव्यू दिया है ना, आपको पता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे कमेंट करके बताना कि आपके साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। ये फिक्स क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, वैसे ही ये फिक्स है कि व्हाट्स योर प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट। तो प्लीज ये गलती मत करो कि आप किसी से कर लो, चलो ठीक है। अब दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम लोग अपना, जिस चीज में अपना करियर बनाने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट ही नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट हम कहीं सर्वेइंग का कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है कि फ्लाई एस की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट करके जब आप इंटरव्यू में आते हो, समझ आ जाता है कि आपने सिर्फ काम चलाने वाले प्रोजेक्ट्स किए हैं, ना कि कोई सेंसियर होके प्रोजेक्ट किए हैं। तो कई लोग बोलेंगे, सर मेरा तो, मैं तो पास आउट हो गया हूँ, अब तो मैंने वही किया है, फ्लाई एस वाला ही किया है, या फिर ऐसे वाले किया जो कि मतलब ट्रांसपोर्ट में किया है, बिल्डिंग में जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ब्रिज में जॉब सर्च कर रहे हैं और उन्होंने सॉइल टेस्टिंग की हुई है, सॉइल का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो दैट इज नॉट कोरिलेट विथ ईच अदर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप ऐसा करिए कि कोई एक ऐसे टॉपिक को सर्च करिए। अगर आप पास आउट हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज कोई आपने G+5 का प्रोजेक्ट ले लिया, उसको प्रॉपर सही तरीके से एनालाइज करिए, उसके बारे में सब कुछ समझिए, और उसके बाद वही प्रोजेक्ट में मेंशन करिए कि भाई मैंने कॉलेज में यही मेंशन किया था, ऐसा आप शो करिए अपने रिज्यूम में। कोई भी आपका प्रोजेक्ट का फाइल नहीं मंगवाएगा, बस हाँ वो पूछने के लिए क्या करेगा, पूछेगा कि कैसे किए थे। डेफिनेटली अगर आपने G+5 किया है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना दोस्त, कि ये ऐसे ऐसे हमने किया और ये चीजें हुआ था, इसमें सिस्मिक एनालिसिस किया था, ये कोड यूज किया था, और ये विंड अगर किया था तो विंड के लिए कौन सा कोड यूज किया था, डेड लोड, लाइव लोड, हर चीज आप मेंशन कर सकते हो। और याद रखो, अगर आप कॉलेज में हो तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्यूचर के लिए खेलो मत, ऐसे टॉपिक को यूज करो, ऐसे टॉपिक को चूज करो जो कि ऐसा हो कि भाई हमको आगे काम देगा। काम चलाओ टॉपिक पकड़ोगे तो काम चलाओ रह जाओगे, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज सुबह एक बच्चे ने मैसेज किया था, ठीक है, कि सर आप मुझे क्या बोलते हैं पूरी कंप्लीट प्रोजेक्ट करके दे देंगे क्या। बीटेक वाले तो छोड़ो, एमटेक वाले करके देते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, मैं एनालिसिस पार्ट करके लोगों को दे देता था ऐसा, क्योंकि अफकोर्स हमें भी नहीं पता था कि क्या हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। एक्चुअली मैं गलत कर रहा था, मुझे नहीं देना चाहिए, मुझे अगर करना है तो सिर्फ उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अगर आपको हेल्प चाहिए प्रोजेक्ट में कि सर मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे ये इसमें आपसे गाइडेंस चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, और उसके लिए डेफिनेटली मैं चार्ज भी करूंगा, कोई फ्री में तो नहीं करेगा अपना टाइम, ऐसे कैसे दे सकता है, चार्ज भी करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस। मैं किसी को भी प्रोजेक्ट बना के नहीं दूंगा, दैट इज रॉन्ग थिंग। और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी किसी से मत बनाओ। मुझे एक लड़के ने बताया कि दिल्ली में कई जगहों पे इसकी अलग से मार्केट बनी हुई, शॉप्स बनी हुई है, उन शॉप्स पे पहले से ओल्ड प्रोजेक्ट रखे रहते हैं, फटाफट वो कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं और उसके वो चार्जेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 तक के। और एमटेक के तो मैंने सुना 80,000 रुपये के प्रोजेक्ट। ये कोई समझदारी नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा होगा यार मैं तो बड़े स्मार्ट हूँ, मैंने काम कर लिया,
बेवकूफ़ी कर रहे हो, जब आप जॉब में जाओगे तब आइडिया लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस यही आपको एक अवेयरनेस देना था, होप आपको समझ में आया होगा कि हाँ यार प्रोजेक्ट तो मुझे सेंसियर होकर करना है दोस्त, कि बहुत हेल्प करता है। जब आप फर्स्ट जॉब में जब जाओगे, इंटरव्यू में जब बैठोगे, तब समझ में आएगा हाँ यार सर ने सही बोला था, जॉब डिस्क्रिप्शन में अपने हिसाब से लिखा हूँ पूरा डिटेल। हाँ कई लोग अपने रिज्यूम में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं कि ये किया था, भाई कोई काम ऐसे फेंक थोड़ी रहे हो, प्रॉपर उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए कि उसमें हमने किया क्या था। अगर ये नहीं लिख रहे हो तो आप इंटरव्यू के लिए मिस्टेक्स कर रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको समझ में आया तो प्लीज़ प्रोजेक्ट के लिए किसी से परचेस मत करो प्रोजेक्ट, किसी का घिसा पीटा प्रोजेक्ट लेके अपना काम मत चलाओ, क्योंकि डिग्री तो डेफिनेटली मिल जाएगी लेकिन वो कागज़ वाली रियल वाली नहीं मिलेगी। तो अगर इस चीज़ को समझ गए तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, नहीं समझे तो फिर क्या बोले। चलो जय हिंद जय भारत। जो हाँ एक चीज़ याद रखना कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं अब उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी भी जिस इंडस्ट्री में जाने वाले हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट खुद से करें, और वो करने के बाद मेंशन करें। ये मत सोचें कि हमने कॉलेज में ये किया था, क्योंकि किसी को पता नहीं हमने कॉलेज में क्या किया था। आपने जो रिज्यूम में मेंशन किया वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप बिल्डिंग में जॉब सर्च कर रहे हो तो ब्रिज का प्रोजेक्ट किए हो तो बहुत गड़बड़ है, क्यों? फिर वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा। अगर आप ब्रिज में काम कर रहे हो और आपने बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो वो भी कोरिलेट नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को समझ के तब अपने रिज्यूम को अपडेट करें। चलिए जय हिंद जय भारत।